मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा के अनूपपुर जिलाध्यक्ष को अपने हाथ से जूते पहनाकर उनका संकल्प पूरा कराया। रामदास पुरी ने संकल्प लिया था कि जब तक प्रदेश में भाजपा सरकार नहीं आ जाती वे जूते नहीं पहनेंगे। पूर्व सीएम के जूते पहनाने पर वे भावुक हो गए। रामदास पुरी पैर छूने के लिए झुके तो शिवराज ने उन्हें गले से लगा लिया। शिवराज ने कहा कि रामदास पुरी जैसे कार्यकर्ता पार्टी की ताकत और पूंजी है। ऐसे ही निष्ठावान और लगनशील कार्यकर्ताओं के कारण भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। रामदास पुरी 6 साल से बिना जूते चप्पल के रह रहे थे, पार्टी की सेवा में लगे थे। रामदास पुरी ने 2017-18 में संकल्प लिया था कि जब तक प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तब तक जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। 2023 में भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, इसके बाद खुद शिवराज ने उन्हें जूते पहनाए। श्री रामदास पुरी जी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता, हमारे अनूपपुर जिले के अध्यक्ष हैं। ये ऐसे कर्मठ और संकल्पित कार्यकर्ता हैं कि जिन्होंने प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, इसके लिए 2017 से इन्होंने जूते और चप्पल का परित्याग कर दिया था और गर्मी सर्दी बरसात तीनों में 6 साल लगभग नंगे पैर रहे। उनका संकल्प पूरा हो गया। 18 में सरकार नहीं बनी थी, 19 में बनी तब भी नहीं पहनी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, जब एक बार फिर सरकार बने तब पहनूंगा। तो मैंने कल हम सब कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि संकल्प पूरा हो गया, प्रदेश प्रगति और विकास कर रहा और अपनी सरकार भारी बहुमत से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो आप कृपया करके जूते और चप्पल पहनना प्रारंभ कीजिए। उनकी संकल्प की पूर्ति पर आज हमने उन्हें जूते धारण करवाए हैं। ऐसे समर्पित कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता पर हमें गर्व है, भारतीय जनता पार्टी को गर्व है। और ऐसे ही कार्यकर्ता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को भी पूरा करके अपने देश को भी समृद्ध और विकसित बनाने में योगदान देंगे। मैं रामदास पुरी जी को प्रणाम।